डोंट टेल अबाउट दोज वन जिसके की वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण वो आप लोगों की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। जो भी हमारा बोनोफाइड स्टूडेंट है, जो भी हमारा बोनोफाइड स्टूडेंट है, उसके अगर उसके अगेंस्ट कुछ किया गया हो, लेकिन आप लॉ भी अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, आप लॉ भी अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। जब मैं बाहर था तो मेरे पास यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से वो आया था कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनको उसका आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये भारत सरकार की है, ये NIT पटना की नहीं है। ये यहाँ पर जितना भी कुछ बना है या जो बन रहा है या जो स्टूडेंट चल रहे हैं, वो भारत सरकार का पैसा जो कि टैक्स पेयर के द्वारा आता है वो होता है। अगर कोई उसको कोई अनलॉफुल तरीके से डैमेज करता है तो उसका सिक्योरिटी के लिए ही हम लोगों को रखा गया है। ये पटना एडमिनिस्ट्रेशन से मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन उनका फोन आया था। तो ऐसा काम भी आप ना करें, आप लॉ को अपने हाथ में ना ले। जो भी है हम आपके साथ हैं, जब हम आपके साथ ना हो, पूरा प्रशासन आपके साथ ना हो, तब रखें। और मैं आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी छात्रों से कि जैसा आपका हमारा ट्रस्ट 4 दिन पहले था, आप वैसा ही ट्रस्ट रखें, आपको उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। ये मैं मानता हूं कि मैं ये सोच नहीं सकता था कि ये इस तरह का दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए मैं किसी ऑफिशियल वर्क से 2 दिन शहर में नहीं था, और जो भी हो गया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और आगे मैं आपको पुनः एश्योर करता हूं सर, आपको कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपके स्टडी में, आपके रहने में, आपके कन्वीनियंस में। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप 10 दिन बाद वापस आओगे तो हो सकता है कि आपको अपना हॉस्टल, अपना कैंपस और काफी इंप्रूव्ड स्टेट में मिले और आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए। सर फोर्थ पॉइंट कंफर्टेबल हो जाए। सर एक क्वेश्चन सर, मेडिकल फैसिलिटी पहले से अच्छे से क्यों नहीं बनाई गई थी? क्या हम लोग ऐसे इंसिडेंट की वेट कर रहे थे? किस चीज के लिए बेटे? सर लाइक जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, स्टेशन नहीं है, क्यों नहीं था पहले से? ये सब तो बेसिक नीड है सर। तो पहले से हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ है सर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। जब पता था सुसाइड का केस है तो हमें स्ट्रेचर क्यों नहीं भेजा गया? बेटी वो तो मैंने पहले कहा आपसे कि जो गलती हो गई है वो हम पता करेंगे, और आई कैन एश्योर यू कि आगे से ऐसी गलती ना हो। सर मेडिकल फैसिलिटी में पता चला है कि पैसे का मॉल है और डेटॉल ऐसे सैनिटाइजर रखे हुए हैं, ऐसा क्यों है सर? लेकिन पहले से होना चाहिए ना अरेंज, क्योंकि IIT और NIT में ऐसे इंसिडेंट होते हैं नॉर्मली, तो आप लोग को तैयार रहना चाहिए था सर। सर लेकिन इतना ही पता चला पैसे का मॉल ये सब है, और क्यों सर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था सर, कौन था ना? ऑक्सीजन सिलेंडर में मान रहा हूँ, बेसिक नीड है सर। नहीं मैं देखो बेटे, अभी हम लोग आपके लिए 2 डॉक्टर यहाँ पे फाइल किए गए थे, एम्बुलेंस दी गई थी, नर्स है वो है, लेकिन ये दुर्घटना एकाएक हो गई। अब लेकिन आप जो भी है, मैं आपको पुनः एश्योर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें करेक्ट करेंगे। आप हफ्ते भर बाद जब आओगे तो ये भी चीजें करेक्ट मिलेंगी। सर फोर्थ पॉइंट रीड कर लीजिए, सारे पॉइंट हम लोग देख लेंगे करेंगे। सर हमारे सामने यस सर, उसका आंसर भी तो चाहिए सर हम लोग को। सर हम सर हमें जवाब चाहिए। एम्बुलेंस एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसके नीचे वाला है। एम्बुलेंस एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, कौन सा पॉइंट है ये? फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट नहीं लिखा सर, हॉस्टल हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन एंड हॉस्टल रिस्पांसिबिलिटी। आ जाओ मुझे देख सिचुएशन
बेटे वार्डन और केयर टेकर के लिए तो अभी बात आपसे होती, आपकी जो वार्डन है असिस्टेंट वार्डन के लिए मैं मान सकता हूँ सर, पता है आपको नॉट एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी जो वार्डन है वो बहुत एक्सपीरियंस लेडी है और सीनियर गार्ड डेटा और फीलिंग ऑल्सो द केयर टेकर एंड असिस्टेंट वार्डन दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड एंड दे डू नॉट हैव, आई डू एग्री दैट दे डू नॉट हैव proper experience, we will train them, we'll give them training and सर हमारी मैम तो एक्सपीरियंस थी ना, वो अंदर नहीं गई सर, बाहर खड़ी थी डोर के पास, अंदर नहीं गई रूम में, वो लॉक कर दी पर गई नहीं, चेक भी नहीं की सर एक बार, सर जो भी थी लेकिन वो बाहर में खड़ी थी वो मैम, अंदर तक नहीं गई वो सर, मैम है वो हमारी प्रोफेसर है, वो बाहर खड़ी थी हमारी वार्डन, अंदर नहीं गई सर, देखा भी नहीं सर। मैं कैसे तुमको, मैं ये भी कह रहा हूँ उन लोगों ने सही किया,